हे गुड मॉर्निंग, आज हम लोग निकले हैं तारापीठ के लिए और यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर्स है, तो रोड्स भी अच्छी है, दिन भी अच्छा है। एक डेट और रहेगा, अभी निकल के रात तक वापस कलकत्ता आ जाएंगे। अभी बर्दवान पहुंच गए हम लोग, यहाँ एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, एयर प्रेशर गाड़ी का चेक करवा लें। टाइम हुआ है 12:42 और 3 घंटे का और रास्ता बता रहा है यहाँ से। रास्ते में कहीं लंच करने के लिए भी रुकेंगे। ये अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है और अब नेशनल हाईवे 14 पकड़ लिया है। वर्धमान सिटी है, ये रेलवे क्रॉसिंग आ गई है, तो अब यहाँ वेट करते हैं। 5-7 मिनट शायद हो सकता है लगेगा ट्रेन आने में। ये रास्ता देखिए, स्टेट हाईवे है, रास्ता बड़ा सुंदर है, रोड थोड़ी सी नैरो है और इस रास्ते में आपको बकरियां और जानवर बहुत सारे मिलेंगे, तो थोड़ा केयरफुली आपको गाड़ी चलानी है इस रास्ते में। लंच करने के लिए जगह खोज रहे हैं, गूगल पे दिखा रहा है, एक रेस्टोरेंट दिखा रहा है 8-10 किलोमीटर दूर है यहां से। ये शायद चावल की खेती हो रही है यहां पे। स्पीड ब्रेकर्स बहुत है, हर 2-3 किलोमीटर पे एक स्पीड ब्रेकर है। रास्ते में ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है, सब बड़े बड़े पेड़ हैं। बोलपुर पहुंच गए हैं और अभी लंच करने के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है क्लब सेंट्रल बोल के, तो इसी में लंच करेंगे। बोलपुर से शांति निकेतन नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो लेकिन हम शांति निकेतन आज नहीं जाएंगे, हम अभी निकलेंगे तारापीठ के लिए। देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, यहाँ रिपेयरिंग हो रही है और इसका एक्सटीरियर आप देखिए, बैम्बू स्टाइल के अंदर में ये बनाया हुआ है एक्सटीरियर जो है इस बिल्डिंग का, डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, बनने के बाद में लगता है और अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट में अंदर आ गए हैं और विक्रम फोन में बात कर रहा है और मेन्यू भी देख रहा है, तो आपको बताते हैं कि क्या हमने ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट अच्छा है। देखिए क्या खाना है, लेट्स सी, अभी मेन्यू देख ले। मेन्यू देखो, अच्छा सा खाना ऑर्डर करो। ओके, सुशील भी आ गया है। क्या क्या खाना खाना है? साउथ इंडियन। नॉर्थ इंडियन, तो देखो मेन्यू, देखो मेन्यू ऑर्डर करो। श्योर। लंच कर लिया है, खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे, और अब यहाँ से करीबन 1.5 घंटे का रास्ता और है, तो अब निकलते हैं और तारापीठ में आपसे मिलते हैं। पीछे विक्रम सो रहा है और सुशील भी नींद में है, और थोड़े से हल्के से ट्रैफिक जाम में हम फंसे हैं और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच सा है ये, कोई नदी है, ब्रिज है जो टूटा फूटा हुआ है।
₹10 इस ब्रिज पे चलने का, इस रोड पे चलने का ₹10 टोल लिया है इस खराब सड़क का। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है हल्की सी, ज्यादा तेज नहीं है। डिस्टर्ब किया हम तुमको क्या एक बार? रुक जाइए सर, कुछ नहीं है, नहीं आया। हम तुमको डिस्टर्ब किया? अब तुम भी हमको थैंक यू बोलने का मौका देना जिंदगी में, अभी तो नहीं चाहिए लेकिन अब सोने देना हमको भी, जब भी सो रहे हो। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए, तो सामने से जितनी गाड़ियां आ रही है वो वहां तारापीठ से दर्शन करके आ रही है वापस, और हम अभी जा रहे हैं। रोड तो अच्छा है लेकिन इसमें टर्न्स बहुत हैं और ये टू व्हीलर्स और ऑटोज और ये जानवर बहुत ज्यादा हैं, इसलिए स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। तारापीठ पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर दी है और अब मंदिर की तरफ अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ दोनों साइड में शॉप्स हैं, यहाँ से अगर आपको कुछ खरीदना है मंदिर के लिए सामान, कोई चढ़ावा, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ सोवेनियर्स, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आज सैटरडे है तो थोड़ी भीड़ रहेगी मंदिर में। ये यहाँ का मंदिर तांत्रिक साधना के लिए बहुत फेमस है, इंडिया के या बाहर से भी सब जगह से लोग तांत्रिक साधना करने के लिए यहाँ से आते हैं। और बड़ा ही मान्यता वाला मंदिर है यहाँ से। अभी हम लोग ये मदन मोहन पूजा भंडार में आ गए हैं, यहाँ से माता जी का श्रृंगार का सामान ले लिया है। और ये पंडित जी हैं, आपका नाम क्या है? सजल चटर्जी है। तो आप कभी भी तारापीठ आए तो इस शॉप पे आ सकते हैं, मदन मोहन श्रृंगार भंडार, पूजा भंडार। और ये आपके अंदर जाने की दर्शन का सब व्यवस्था कर देंगे, तो आप यहाँ आके कभी भी आ सकते हैं। ये श्रृंगार का डाला हमने बनवा लिया है, अब पंडित जी हमारे साथ जा रहे हैं हमको दर्शन कराने के लिए। थोड़ी बारिश के कारण स्लिपरी हो रखा है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ तांत्रिक साधना करने के लिए बहुत लोग आते हैं, और यहाँ पे एक शमशान घाट भी है, उस शमशान घाट में बहुत सारे तांत्रिक आते हैं और वो अपनी पूजा अर्चना सब यहाँ पे करते हैं। मंदिर परिसर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो अब मैं कैमरा बंद कर दूंगा। फिर बाहर आके मंदिर तक चले गर्भगृह नहीं है, अच्छा चलिए ऊपर तक चलिए, तो जब एंट्री कर जाएंगे तब बंद कर देना। पंडित जी बोल रहे हैं कि थोड़े आगे तक हम कैमरा ले जा सकते हैं, बारिश के कारण फ्लोर स्लिपरी हो गया बहुत। ये बाहर का व्यू है तारापीठ मंदिर का, और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन है। और
बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, स्कूल की तरफ से शायद आए हैं, सब लाइन में खड़े हैं। इनका नंबर दर्शन के लिए शायद एक डेढ़ घंटे में आएगा। सब स्कूल यूनिफॉर्म में हैं। ये शॉप है जहां से हमने श्रृंगार का सामान लिया था। अंधेरे के कारण थोड़ा बोर्ड कम दिख रहा है, और शूज भी यहीं खोल दिए थे, और हमारे जो मोबाइल फोन्स थे वो भी हमने यहीं रख दिया था। दर्शन हो गए हमारे, और अब जहां हमने गाड़ी पार्क करी थी उस तरफ जा रहे हैं, और वहां जाके गाड़ी लेके कोलकाता के लिए रवाना होंगे वापस। कोलकाता पहुंचने में यहां से करीबन 6 से 7 घंटे लगेंगे हमको, तो रात में 1-1.5 बजे तक कोलकाता पहुंच जाएंगे हम। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे तो इसलिए हुआ, अदरवाइज अगर आपको तारापीठ आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग कोलकाता से निकलिए तो आप शाम तक वापस पहुंच सकते हैं। और अगर आप तारापीठ कोलकाता से गाड़ी से नहीं आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। रामपुर हाट यहाँ का स्टेशन है, और रामपुर हाट से आपको ऑटोज मिल जाएंगे यहाँ आने के लिए, तो रामपुर हाट आके भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं मंदिर के आसपास में, वो आपसे पैसे मांगेंगे, तो उनसे थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, और अपने वैल्यूबल्स जो है वो थोड़ा आपको संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रश इतना है तो आपका वॉलेट। और ये यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आई लव तारापीठ, ये आजकल बहुत सी सिटीज में आपको मिल जाएगा। अभी रात के 2 बज गए हैं और फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, और थोड़ा हेक्टिक हो गया था, तो अब इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।